उड़ीसा में हुआ भीषण ट्रेन हादसा। हादसे में गई कई जान, कई सौ हुए घायल। घटना पर क्रिकेट जगत ने भी जताया दुख। उड़ीसा के बालासोर जिले में शुक्रवार को तीन ट्रेनों में आपस में टक्कर हो गई। यह बहनागा स्टेशन के पास SMVB हावड़ा एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर थी। सबसे पहले हावड़ा एक्सप्रेस की ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, इसके बाद मालगाड़ी कोरोमंडल से जा टकराई। हादसे में अब तक 238 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में कोलकाता के हावड़ा स्टेशन और तमिलनाडु के चेन्नई के बीच चलती है। हादसे में 15 बोगी पटरी से उतर गई, 7 बोगियां पूरी तरीके से पलट गई। कई लोगों के बोगी के अंदर फंसे होने की भी बात सामने आई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लगातार घायलों और साथ ही मृतकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा इस घटना के बाद NDRF, SDRF से लेकर सुरक्षा बलों के कई जवान को भी राहत बचाव कार्यों में लगा दिया गया है। अब तक का रिपोर्ट्स की माने तो शनिवार सुबह से ही घटनास्थल से शवों को निकालने का काम जारी है। इस हादसे को लेकर उड़ीसा सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। इसके अलावा PM मोदी ने भी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और इसके बाद घटना के बारे में बारीकियां जानी। साथ ही हादसे के स्थल पर रेल मंत्री सुबह ही पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने तमाम चीजों का जायजा लिया। साथ ही खबर है कि PM मोदी समेत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही पूरे देश भर में घटना को लेकर लगातार लोग दुख जता रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद भारतीय क्रिकेट के भी तमाम खिलाड़ी इस घटना को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और तमाम लोगों ने इस घटना पर दुख जताया है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उड़ीसा में जो दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ उसे सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। मेरी प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के मैं जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस से जुड़े दुखद ट्रेन हादसे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। साथ ही जो घायल लोग हैं वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएं इसकी प्रार्थना करता हूं। BJP के सांसद और टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर ने दुख व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा, उड़ीसा में हुई जनहानि को सुनकर काफी ज्यादा दुख हुआ। ईश्वर पीड़ित परिवारों को शक्ति दे, घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देश आपके साथ खड़ा हुआ है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि उड़ीसा से दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। इस भीषण ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदनाएं और प्रार्थनाएं। टीम इंडिया के मौजूदा बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने भी ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि बालासोर में दुखद ट्रेन हादसे से प्रभावित सभी पीड़ित परिवारों और उनके परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। टीम इंडिया के विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने भी घायलों के जल्द ही रिकवरी और साथ ही जल्द ही स्वस्थ होने की दुआ की। ट्वीट करते हुए दिनेश कार्तिक ने लिखा कि जो भी इस त्रस्त दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। NCH चीफ और टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी VVS लक्ष्मण ने भी लिखा कि उड़ीसा में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बारे में जानकर बेहद निराशा हुई। मैं घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उन लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। आपको बता दें कि देश भर के तमाम लोग इस घटना पर अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और इसी कड़ी में क्रिकेट जगत से भी तमाम लोगों ने अपनी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के लिए प्रकट की। बहरहाल इस घटना को लेकर लगातार देश भर से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वाकई भारतीय ट्रेन इतिहास की सबसे बड़ी घटना में से एक मानी जा रही है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।